Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Gangaram ji, ab aankh band kijiye aur Prabhu Shri Ram Hanuman ji ka smaran kijiye. Phir in prishton mein se ek panna nikaliye. Jai Shri Ram, Jai Hanuman. सीए स्वयंवर जनकपुर सुनमुनि सकल भये आए साथ समाज सभी भूषण बसंत सुबे चले मुदित कौशिक अवध सगुन सुमंग नाम आए मुनि सन्मान गृह आने कौशल आपके प्रश्न का समुचित उत्तर रामाज्ञा प्रश्न से मिल गया है बिंदा आपके राजा कीरत सिंह के सुपुत्र सूरत सिंह जीवित और संध्या तक घर लौट आए महाराज यदि आपका कथन सत्य सिद्ध हुआ तो मेरा भाग्य चमक उठेगा और मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा महाराज प्रभु राम की कृपा से सब ठीक होगा जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान आप धन्य हैं आप धन्य हैं तुलसी महाराज आप धन्य हैं महाराज जय श्री राम कल संध्या काल तक समाचार अवश्य दीजिएगा गंगाराम जी अवश्य लौट आऊंगा हे बजरंग बली गंगाराम जी की कामना अवश्य पूर्ण कीजिए अवश्य पूर्ण कीजिए जय श्री राम तुम्हारी वाणी अवश्य सत्य से जय बजरंग बली जय बजरंग बली भोलेनाथ मैं तो तुलसी के आसपास ही रहता हूँ और अनेकों बार उसके सामने प्रकट भी हो चुका हूँ अब फिर से प्रकट होने की क्या आवश्यकता है हनुमान अब तक तुमने तुलसी को ब्राह्मण बाबा के रूप में दर्शन देकर उसे अपने मूल उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप तुलसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया अब यह रूप परिवर्तन छोड़कर तुम तुलसी को हनुमान के रूप में दर्शन एवं प्रोत्साहन दोगे तो उसमें नया उत्साह जगेगा और वो राम कथा की रचना के लिए प्रेरित होगा बोले आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं हैं कि इस घोर कलयुग में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन देना लोगों में भ्रम और अंधविश्वास का कारण बन सकता है हनुमान तुलसी के मन में तुम्हारे दर्शनों की तीव्र कामना जागृत हुई अब उसे तो तुम्हें पूर्ण करना ही होगा जानते हो वो भ्रुशुंडी प्रेत से तुम्हारे दर्शनों की याचना कर रहा है भ्रुशुंडी प्रेत से कहां सरोवर तट पर वट वृक्ष के नीचे हे बरगद बाबा हे बरगद बाबा मैं आपसे कई बार विनती कर चुका हूं आज फिर विनती कर रहा हूं बरगद बाबा मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करवाइए मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा उनसे प्रेरणा और आशीर्वाद पाएगी भला मैं राम कथा की रचना का प्रारंभ कैसे कर पाऊंगा बरगद बाबा मुझे बताइए मैं कैसे कर पाऊंगा राम कथा की रचना का प्रारंभ यदि आप मेरे निवेदन का उत्तर नहीं देना चाहते तो ना परंतु मैं भी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी कैसे सौदा करनी होगी कृपा निधान हनुमान प्रत्यक्ष दर्शन मुझे कराने ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी भरगत बाबा
ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी, ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी बरगद बाबा। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा, हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। तुलसीदास, तुलसीदास, हनुमान जी तो प्रतिदिन तुम्हें दर्शन देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बरगद बाबा? हनुमान जी मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हैं, परंतु मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता बाबा? मुझे बताइए, मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता बरगद बाबा? तुलसीदास, यही तो विडंबना है। हनुमान जी बचपन से ही तुम्हारे साथ रहे हैं, परंतु तुम कभी उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था। बरगद बाबा, तुलसीदास, जो ब्राह्मण बाबा तुम्हें बार बार मिलते रहे, तुम्हारी रक्षा करते रहे, तुम्हें प्रेरणा देते रहे, वही रुद्र अवतार अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बरगद बाबा? जिनके दर्शनों की अभिलाषा लिए मैं सदैव भटकता रहा, तो कृपा निधान हनुमान जी सदैव मेरे साथ रहे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। कितना अभागा हूं मैं। मुझे बताइए, मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी? मुझे कृपा निधान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे? मुझे कृपा निधान हनुमान जी के दर्शन कराइए बरगद बाबा। तुलसीदास, जब भी ब्राह्मण बाबा तुम्हारे सामने आए तो उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वे अपने मूल रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। हे बजरंग बली, हनुमान जी, आपकी चाली है प्रभु, परीक्षा ना लो प्रभु। हनुमान जी, मैं आपके दर्शनों का प्यासा हूँ प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। प्रभु, अब ये कैसी आंख बिचौली है प्रभु? परीक्षा ना लो, दर्शन दो प्रभु। बस अब परीक्षा ना लो, अब आपको प्रकट होना पड़ेगा, अन्यथा जिस तुलसी की आप बालावस्था से लेकर अब तक प्राण रक्षा करते आए हैं प्रभु, वो आपके समक्ष यही प्राण त्याग देगा। दर्शन दो प्रभु, इस अधम तुलसी को दर्शन दो प्रभु, प्रभु। कृपा निधान हनुमान जी, मेरे संकट मोचन प्रभु, तुलसी।
हे करुणा विधान हनुमान जी, इतना स्नेह करते हैं आप सधम तुलसी से कि बाल अवस्था से लेकर अब तक छाया की भांति उसके साथ घूमते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहे मेरे प्रभु। हे प्रभु, अब आपके ही चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, अब आपके ही चरण नहीं छोड़ूंगा प्रभु। तुलसी, उठो तुलसी, तुलसी, अपने इस भाव धारा को अपनी लेखनी द्वारा कर। अब रामायण की रचना आरंभ करो। हे संकट मोचन हनुमान जी, भला आपसे प्रेरणा पाए बिना मैं राम कथा लिखने की शक्ति कहां से पाऊंगा प्रभु? तुलसी, काशी में रहकर तुमने वेद उपनिषदों और शाश्वत पुराणों का अध्ययन किया, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण तो तुम पहले ही आत्मसात कर चुके हो, बल्कि ये कहना अधिक उचित होगा कि महर्षि वाल्मीकि की दिव्यता के साथ तुमने कलयुग में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, फिर संभव कैसे नहीं होगा? महादेव भोलेनाथ और माता पार्वती की भी यही इच्छा है कि अब तुम राम कथा की रचना में अधिक विलंब न करो। प्रभु, आपके दर्शन के साथ ही आज मेरा सौभाग्य फलित हुआ है प्रभु, आज मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा प्रभु। हाँ तुलसी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? राम कथा की रचना करने से पूर्व मैं प्रभु श्री राम व भ्राता लक्ष्मण जी के दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। उनके दर्शनों के पश्चात राम कथा कहना मेरे लिए सहज हो जाएगा प्रभु। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण? नहीं नहीं तुलसी, ये कैसे संभव है? यदि आप चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। परंतु तुलसी, प्रभु श्री राम तो युगों पूर्व भगवान विष्णु के रूप में समाहित हो चुके हैं। किंतु समय आने पर भगवान विष्णु कृष्ण अवतार भी तो धारण कर चुके हैं ना। परंतु तुलसी, अब तो श्री कृष्ण भी नहीं रहे, फिर मैं तुम्हें प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के दर्शन कैसे कराऊंगा? नहीं प्रभु, दास की इच्छा तो आपको पूर्ण करनी ही होगी, करनी ही होगी। कैसे पूर्ण करूं तुलसी? मैं असंभव को संभव नहीं बना सकता। क्या तुम्हारी इच्छा मात्र से समय की धारा उल्टी बह सकती है? क्या भगवान विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार फिर से धारण कर सकते हैं? नहीं तुलसी, नहीं, ये संभव नहीं है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं बजरंग बली, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब सीता मैया की खोज में आप समुद्र तट पर खड़े थे तो क्या समुद्र लांघने की बात आपने असंभव नहीं कर दी थी प्रभु? किंतु आपने अपने अतुल बल से, असीम क्षमता से उस असंभव को भी संभव कर दिखाया था, यह सारा संसार जानता है प्रभु। नहीं प्रभु, आपको प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी के दर्शन मुझे कराने ही होंगे प्रभु, ये दर्शन मुझे कराने ही होंगे प्रभु, कराने ही होंगे। ठीक है, यदि तुम्हारा यही हट है तो कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं प्रयास करता हूं, देखते हैं हम दोनों की भक्ति की शक्ति क्या कर सकती है। जय श्री राम।
नारायण नारायण हनुमान, इस संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सत्य है और इस सत्य को मैं सत्य करके दिखाऊंगा अपने प्रिय शिष्य के लिए। भगवान विष्णु मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर ही नहीं सकते, उन्हें अपने श्री राम रूप में तुलसी को दर्शन देने ही होंगे। गुरुदेव, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने अपना कोई भी अवतार पुनः धारण किया हो। देव, क्या ये संभव हो सकता है? संभव तो नहीं हो सकता, संभव होना ही पड़ेगा हनुमान। भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते? तुलसीदास की भक्ति भावना और तुम्हारी प्रेरणा शक्ति उन्हें विवश कर ही देगी अपने श्री राम रूप में दर्शन देने के लिए। और तुम्हारे लिए ये कार्य मैं करूंगा। अब बोलो जय श्री राम। ये सब आपका ही पुण्य प्रताप है महाराज। ये देखिए महाराज, तुलसी महाराज, असंभव ही संभव हो गया। ये सब आपका पुण्य प्रताप है। सूरज सिंह जंगल में बाघ से बचकर लौट आया। हाँ महाराज, और महाराज कीरत सिंह ने अपना वचन पूरा किया। ये देखिए महाराज, ये स्वर्ण आभूषण, ये स्वर्ण मुद्राएं, ये सब आपके चरणों में अर्पित है महाराज, आपके चरणों में अर्पित है। गंगाराम जी, ये सब श्री राम की कृपा का चमत्कार है, हनुमान जी की प्रेरणा का फल है। जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उनकी वाणी से असंभव भी सत्य बनकर निकलता है। मैंने तो वही कहा जो आपने रामाज्ञा प्रश्न से चुना, भला उस अटल सत्य को मिथ्या कौन कह सकता है? ये स्वर्ण आभूषण, ये मुद्राएं, ये सब आपकी है, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं गंगाराम जी, ना ये मेरी है ना आपकी, ये तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। यदि आपके मन में इनके प्रति मोह है, तो इन्हें हनुमान जी के मंदिर की स्थापना में लगवाइए। हनुमान जी के माध्यम से राम भक्ति का प्रचार का प्रसार कीजिए। तुलसी महाराज, मैं इनमें से अपने लिए कुछ भी संपत्ति नहीं रखूंगा। मैं आज ही से हनुमान मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करूंगा और स्थान स्थान पर हनुमान मंदिरों का निर्माण करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे तुलसी महाराज। कहीं जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय श्री राम। 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 प्रभु प्रभु कहाँ है आप? जय श्री राम। प्रभु प्रभु दर्शन दीजिए प्रभु। जय श्री राम। क्या बात है देवर्षि, आज नारायण के स्थान पर जय श्री राम? ओ, इसलिए माता, क्योंकि मैं यहाँ राम दूत का दूत बनकर प्रकट हुआ हूँ। उनके मन की व्यथा सुनेंगी तो आप भी चिंतित हुए बिना नहीं रहेंगी माता। व्यथा? कौन सी व्यथा? मेरा शिष्य राम दूत हनुमान इस दुनिया में है माता, कि पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु पुनः श्री राम रूप धारण करेंगे या नहीं देवर्षि? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के अवतार
तुलसीदास ने यह हट कर ली है कि जब तक वे प्रभु श्री राम माता सीता तथा भैया लक्ष्मण के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वे श्री राम कथा का लेखन आरंभ नहीं करेंगे। देवर्षी, भक्त के लिए भगवान कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो फिर श्री हरि श्री राम का रूप क्यों नहीं धारण कर सकते? वही तो मैं कह रहा हूँ माता, कि प्रिय हनुमान तथा महर्षि वाल्मीकि जैसे भक्तों के लिए प्रभु कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये संभव है, जो युग बीत चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। श्री राम अवतार के पश्चात हमने श्री कृष्ण का रूप धारण किया, वो द्वापर युग भी समाप्त हो चुका है। अब कलयुग में पुनः अवतार धारण करना इस विधि के विधान के विरुद्ध होगा, क्यों देवशी? परंतु प्रभु, छोटा मुंह और बड़ी बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, आपको पुनः अवतार धारण नहीं करना है, केवल रूप धारण करना है प्रभु, उन राम भक्तों के लिए जो प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। हाँ प्रभु, कलयुग में महर्षि वाल्मीकि के तुलसी अवतार धारण करने का मूल उद्देश्य यही था कि राम कथा का प्रचार प्रसार करना और धर्म की ध्वजा फहराना। श्री राम दर्शन के बिना क्या राम कथा अधूरी नहीं रह जाएगी? माता, आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जो कहने आया था उससे अधिक आपने कह दिया माता। हाँ प्रभु, मैं भी सीता का रूप धारण करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। नारद के निवेदन में मेरा निवेदन भी सम्मिलित है। नारायण नारायण। पालनहार प्रभु श्री हरि, भगवान विष्णु, अब तो आप मेरे निवेदन को अस्वीकार कर ही नहीं सकते। क्यों? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है देवर्षि, ठीक है, आप जाइए और हमारे प्रिय हनुमान को सूचित करिए कि हम शीघ्र ही तुलसीदास को अपने प्रिय स्थल चित्रकूट में दर्शन देंगे। नारायण नारायण। अब मैं निश्चित हो गया कि प्रभु श्री राम और माता सीता के एक साथ दर्शन पाने का समाचार सुनकर मेरे शिष्य हनुमान का हृदय हर्षोल्लास से भर जाएगा। और तुलसीदास के प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। मस्तक मणि से दिन मणि लाजे, अतिशय कुंडल कानन राजे, लाल लाल बाना तन साजे, पूर्ण समर्पित रघुवर काजे। मस्तक मणि से दिन मणि लाजे, अतिशय कुंडल मोचन देव तुम्हारे राजीव लोचन प्राण, संकट मोचन देव तुम्हारे राजीव लोचन प्राण। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय भक्त, जय जय हनुमान जी की जय जयकार।
अब हमारे होने न होने का अर्थ ही क्या है? राम भक्ति हनुमान भक्ति में तुलसीदास आगे ही बढ़ता चला जाएगा, धर्म के नए नए ध्वज लहराता चला जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। पाप की जय हो, सत्य का नाश हो। इस राम भक्ति और हनुमान भक्ति को यही कुचलना होगा। यह हनुमान की मूर्ति है, हनुमान तो नहीं है। यह मूर्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या करूं गुरुदेव, उस दुष्ट कलयुग ने पृथ्वी लोक पर इतना उत्पात मचा रखा है कि उस पर नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है। नारायण नारायण, छोड़ो कलयुग को, पहले मेरा शुभ समाचार तो सुनो। गुरुदेव, वो तो आपका मुखमंडल ही बता रहा है कि प्रभु ने मेरी बात सुन ली। सुनते कैसे नहीं हनुमान, तुम उनके परम प्रिय भक्त जो ठहरे और फिर तुम्हारा निवेदन लेकर गया कौन था? मैं। और पता है हनुमान, और कौन आ रहा है उनके साथ? बोलो बोलो। माता सीता। भाई, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो बताया ही नहीं। गुरुदेव, आप भले ही मुझे कुछ ना बताएं, परंतु आपकी भाव भंगिमा आपके मन की बात बता ही देती है। तुम बड़े चतुर हो हनुमान। शिष्य भी तो
आप ही कहूँ गुरुदेव। नारायण नारायण। हनुमान तुम अपने प्रिय तुलसीदास से कह दो उनकी कामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होने वाली है। शीघ्र ही उन्हें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया दर्शन देने वाले हैं और साथ में माता सीता भी पधार रही हैं। किंतु क्या गुरुदेव? किंतु उन्हें चित्रकूट जाना होगा। ये तो और भी अच्छा है गुरुदेव। चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ स्थान से श्री राम कथा और श्री राम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होगी। गुरुदेव आपने मुझ पर और तुलसीदास पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज पर उपकार किया है। अब मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रसार और प्रचार होगा और मानव समाज को कलयुग के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।